हे गाइस, तो आज लेकर आया हूँ मैं पांच ऑसम एप्स। बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग एप्स है ये गाइस। ये एप्स यूज़फुल है ऐसा तो नहीं बोलूँगा, पर बहुत ही मस्त है, दिल खुश कर देने वाला ये एप्स है। अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब कुछ कर देना है। व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है इमरान एंड यू वॉचिंग आई फॉर अनबॉक्स। हे गाइस, एआर स्टिकर्स का मजा लेना चाहते हो और आपके फोन में ऑफिशियली ये फीचर सपोर्ट नहीं करता, जी कैम इंस्टॉल करके मैजिक मॉड्यूल वगैरह भी आप ट्राई नहीं करना चाहते, तो डोंट वरी, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो पिको मोजी और एंजॉय करो एआर स्टिकर्स। किसी भी कैरेक्टर को विद ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो, फिर सेव करो, शेयर करो, जो चाहे करो, पर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगला ऐप है एलईडी कीबोर्ड। जी बोर्ड का रिप्लेसमेंट है ये ऐसा तो नहीं बोलूंगा, पर आंखों को गुदगुदाने के लिए, सामने वाले को चिढ़ाने के लिए ये ऐप जरूर ट्राई करो, और जब चाहे आप जी बोर्ड में वापस भी जा सकते हो। 17 अलग अलग एलईडी कीबोर्ड स्टाइल मिलेगा आपको, 4 फ्री है और 15 अप्लाई करने के लिए आपको 10-12 सेकेंड्स का एड झेलना पड़ेगा। गाइस, ये कीबोर्ड काफी अट्रैक्टिव लगता है, तो एक बार इसे आप जरूर ट्राई करना, क्योंकि अगला ऐप भी कुछ ऐसा ही है। तो आज का कॉम्बो ऑफर, गाइस ये है एक मस्त कूल डायलर ऐप। हर बार एक नया कॉल आने पे एक नया कॉलर स्क्रीन। आपके फ़ोन में जब भी कोई कॉल आएगा तो लोग आपके कॉलर स्क्रीन की तरफ ज़रूर देखेंगे। कॉल मिस करने पे कॉल बैक एंड क्विक मैसेज का ऑप्शन आपको दिखेगा। बहुत सारे मस्त कूल एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसे आप कॉल स्क्रीन पे सेट कर सकते हो रोज़ एक नया। बटन्स भी अच्छे दिखते हैं एंड आप अपने फेवरेट कॉन्टैक्ट्स का अलग अलग कॉलर स्क्रीन सेट कर सकते हो, मम्मी के लिए, फ्रेंड्स के लिए, भाई के लिए, इसके लिए, उसके लिए एंड उसके लिए। गाइज, अगला ऐप है ऑलवेज ऑन एमोलेड। वैसे तो मैंने इसे अपने पिक्सल 2 पे इंस्टॉल किया है, बट आप अपने किसी भी स्मार्टफोन में इसे ट्राई कर सकते हो। लॉक स्क्रीन पे कूल एनिमेटेड क्लॉक सेट कर सकते हो। कैलेंडर चेक करने के लिए लॉक स्क्रीन ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, लॉक स्क्रीन पे ही आपको कैलेंडर मिल जाएगा। मैसेजेस भी आप पढ़ सकते हो एक टैप करके, और जब भी कोई नया मैसेज आएगा एक कूल एनिमेशन भी आपको दिखेगा लॉक स्क्रीन पे। आप अपने लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज भी कर सकते हो, एज कर्व, अलग अलग वॉच फेस, बट सारे वॉच फेस फ्री नहीं है, आपको इसे अप्लाई करने के लिए 10-12 सेकंड्स का एड झेलना पड़ेगा। इस क्लॉक के हर एक एलिमेंट को, सेकंड्स, मिनट्स के साइज को, फॉन्ट्स को, कलर को, सबको आप चेंज कर सकते हो, अपने पसंद से एडजस्ट कर सकते हो। इवन क्लॉक के पीछे एक मस्त बैकग्राउंड भी लगा सकते हो और इसमें एक कूल एनिमेशन भी ऐड कर सकते हो। लॉक स्क्रीन पे मेमो ऐड कर सकते हो, बैटरी स्टेटस, चार्जिंग एनिमेशन। इसके अलावा गाइस आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने लॉक स्क्रीन को सुंदर एंड अट्रैक्टिव बनाने के लिए।
गाइस एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है, अब फ़ोन को मैं ज़्यादा अनलॉक नहीं करता, लॉक स्क्रीन से ही मेरा पेट भर जाता है। गाइस प्ले स्टोर में बहुत सारा ऐप्स जो है फ्री है और पेड भी है। फ्री तो फ्री है, लेकिन अगर पेड ऐप्स आपको फ्री में मिल जाए तो इसका मज़ा ही कुछ और है। आपने देखा होगा बहुत सारे डेवलपर्स अपने ऐप्स को सेल पे डाल देते हैं, प्राइस ड्रॉप कर देते हैं और कभी कभी फ्री भी कर देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। डोंट वरी गाइस, प्ले स्टोर में हर बात का जुगाड़ है, आपको इंस्टॉल करना है ऐप्स फ्री, पेड ऐप्स फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम। इस ऐप से आपको पता चल जाएगा कौन सा पेड ऐप्स अभी फ्री में अवेलेबल है प्ले स्टोर में। डेली आप इसे एक बार जरूर ओपन करके चेक कर लेना, आपका फेवरेट गेम या आइकन पैक या फिर कोई भी इंटरेस्टिंग ऐप आपको फ्री में मिल सकता है। मुझे मिला है 420 KWGT विजेट और AI गैलरी ऐप फ्री में। मुझे नहीं पता कि ये सारे ऐप जो है पहले पेड थे अभी फ्री है, लेकिन डेवलपर का कहना है वो इन लिस्ट में सारे पेड ऐप्स को जो अभी फ्री में अवेलेबल है वही डाल रहे हैं, नो चीटिंग। तो गाइस डेली आप एक बार इस ऐप को ओपन करके चेक कर सकते हो सकता है आपका फेवरेट ऐप अभी फ्री में ऑफर किया गया हो। तो ये लास्ट वाला ऐप एक्चुअली यूजफुल था और इंटरेस्टिंग भी। गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5 यूजफुल ऐप्स के बारे में बताऊंगा जो हर कोई अपने एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल कर सकता है और उसे करना भी चाहिए। तो वीडियो आप ज़रूर देखना और उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, इसे लाइक एंड शेयर करके वीडियो को सपोर्ट कीजिए एंड देखते रहिए आईफोन अनबॉक्स।